गाइस, आज मैं आपके साथ एक आरती थाली डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप आने वाले फेस्टिवल गणपति नवरात्रि में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने कुछ मैच स्टिक ली है, जिसे फेविकॉल की हेल्प से थाली में स्टिक कर लेंगे। कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसे स्टिक करते जाएंगे। इस थाली में हम घर में अवेलेबल कुछ चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। सभी स्टिक होने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। नेक्स्ट इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। इसके बदले आप कुमकुम या हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पानी ऐड करके डो रेडी कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा ऑयल ऐड करके डो को थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब कुछ रंगोली के कलर्स से इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने 3 रंगोली के कलर्स लिए हैं। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल रंगोली के कलर्स है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो अच्छा लुक आएगा। इसे स्पून की हेल्प से यहाँ पे फिल करते जाएंगे। स्पून की हेल्प से फिल करेंगे तो इधर उधर कलर मिक्स नहीं होगा, तो आप भी ऐसे ही फिल करें। पहले भी मैंने बहुत सारी आरती थाली डेकोरेशन आइडिया शेयर किए हैं, तो आप चैनल पे जाके आरती का प्लेलिस्ट जरूर से एक बार चेक करें। नेक्स्ट हम दूसरा कलर यहाँ पे फिल कर लेंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ ये वर्क हमें करना होगा, ताकि और भी अच्छा लुक आए। अब इसमें आउटलाइन देने के लिए हमने जो डोर रेडी किया है, उसकी कॉइल बना लेंगे। थाली में राउंड में इसे सेट कर देंगे। यहाँ पर जब हम आउटलाइन दे, तब डो को थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, ताकि थाली के साथ स्टिक हो जाए, वरना रंगोली के कलर्स इसमें लग जाएंगे। तो इस तरह से हम आउटलाइन दे देंगे। अब सेंटर में आप चाहो तो स्वस्तिक बना के ऊपर दिया रख सकते हैं। मैं डायरेक्ट दिया ही रखूंगी। अब यहाँ पे हम रंगोली का तीसरा कलर फिल करेंगे। आपके पास जो भी कलर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ चना दाल लिया है, इसको डो के ऊपर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। दाने के बीच में आप थोड़ी स्पेस रखेंगे तो भी अच्छा लुक आएगा। मैंने स्पेस नहीं रखा है। अब कुछ साबुदाने लिए हैं, इसको दूसरे आउटलाइन पे स्टिक कर लेंगे। लास्ट में दिए पर भी स्टिक कर लेंगे। ये दाने वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये रेडी हो चुकी है। आपके पास भी पुराने रंगोली कलर से पड़े हो, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, कुछ यूनिक सा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आने वाले फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर से ट्राई करें।
तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।